अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वेलकम करते हैं एवरीडे टीवी की इस नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में टॉप 10 के सिलसिले में हम एक नई चीज़ के बारे में आपको आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज की इस दुनिया को ग्लोबल विलेज यानी एक आलमी गाँव से तशबीह दी जाती है। मौजूदा दौर में दुनिया की मईशत की भाग दौड़ मल्टीनेशनल कंपनियों के पास है, यानी वो कंपनियां जिनका कारोबार अपने होम कंट्री के अलावा किसी और कम से कम एक मुल्क में हो, उनको मल्टीनेशनल कंपनियां कहा जाता है। इन कंपनियों के वसाइल हमारी सोच और हमारी फ़िक्र से भी कहीं बढ़कर ज़्यादा हैं। इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में एप्पल यानी आईफोन बनाने वाली कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाने वाली कंपनी, अमेज़ॉन ऑनलाइन सेलिंग की कंपनी ट्रेडिंग की, अलीबाबा, फेसबुक और दीगर कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के वसाइल और कारोबार की वजाहत के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, इस वीडियो में हम यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी की वजह से इन कंपनियों के रजिस्टर्ड लोगोज़ और ब्रांड्स की तस्वीरें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम इस तरह की चीज़ें उनकी बाकायदा इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये यूट्यूब की पॉलिसी है, इससे यूट्यूब हमारी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करता। इसकी वजह से सिर्फ हम उनके नाम लिखकर आपको उनका तारुफ़ करवाएंगे और उनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटल के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। नाज़रीन, एक बात नोट कर लें कि इस वीडियो में बताई गई कंपनियों की मार्केट वैल्यू अरबों अमरीकी डॉलर्स में है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही दरख्वास्त जो हम हर वीडियो के शुरू में करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 10 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में 10वें नंबर पर है अमरीकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन। इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेडिकल डिवाइसेस मुख्तलिफ किस्म की शामिल हैं, फार्मास्यूटिकल मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिंस और कंज्यूमर पैक्ड गुड्स मुख्तलिफ किस्म की सार्फीन के लिए पैक शुदा जो अशिया हैं वो इस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज में शामिल हैं। ये कंपनी 1886 में बनी थी और इस वक्त इसकी मार्किट वैल्यू जो है वो है 366.2 अरब डॉलर, यानी 366.2 बिलियन US डॉलर्स। तो नाज़रीन, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है JP Morgan Chase & Company। ये भी अमेरिकी कंपनी है और इस कंपनी की जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती है वो है, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, सरमायाकारी का बैंक और दूसरी फिनंशियल सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी सन 2000 में बनी थी और आज सिर्फ 19 साल में इसकी मार्केट वैल्यू है 368.5 अरब डॉलर, अमरीकी डॉलर, यानी 368.5 बिलियन US डॉलर्स। नाज़रीन, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है टेंसेंट होल्डिंग्स। इस कंपनी की सर्विसेज में शामिल है इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक्स और एंटरटेनमेंट वगैरह। यह कंपनी 1998 में बनी थी और आज 21 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू है 472.1 अरब US डॉलर्स। नाज़रीन, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है मशहूर चाइनी कंपनी Alibaba.com और इसकी सर्विसेज हैं इंटरनेट, रिटेल, ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी। ये अलीबाबा 1999 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और इसकी इस वक्त 20 सालों में मार्केट वैल्यू है वो है 480.8 अरब अमरीकी डॉलर्स। और नाज़रीन, 6वें नंबर पे हम सब की पसंदीदा वेबसाइट बना जिस कंपनी की मलकियत है यानी सोशल मीडिया वाली, फेसबुक। जी वही फेसबुक जो हम दिन में बेशुमार दफ़ा देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें करते हैं, लाइक, शेयर और कमेंट्स करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ इस पे करते हैं। ये इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये अमेरिकन बेस्ड है और फेसबुक की सर्विसेज में शामिल है सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक की बुनियाद रखी गई सन 2004 में और इस टाइम फेसबुक की मार्केट वैल्यू है 512 अमरीकी डॉलर, यानी 512 बिलियन US डॉलर्स। नाज़रीन, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है एक अमेरिकी कंपनी ही है बर्कशायर हैथावे। इसकी सर्विसेज में शामिल है प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट एंड एरोस्पेस।
ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, ये 1839 यानी 1839 में इसकी बुनियाद रखी गई। ये टॉप 10 में सब कंपनीज में से सबसे पुरानी कंपनी है और ये तकरीबन 180 साल इस कंपनी की उम्र है। इस टाइम इस कंपनी की मार्केट वैल्यू है 516.4 अरब अमरीकी डॉलर्स। नाज़रीन, इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है अल्फ़ाबेट, ये भी अमरीकी कंपनी है और इसकी सर्विसेज में शामिल है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वीडियो गेम्स और दूसरी गूगल प्रोडक्ट्स। ये कंपनी 2015 में इसकी बुनियाद रखी गई और आज ये दुनिया में टॉप 10 मल्टीनेशनल्स में चौथे नंबर पे है और इसकी मार्केट वैल्यू है 863.2 बिलियन डॉलर। सिर्फ 4 साल में ये कंपनी यहाँ तक पहुँची और उसकी वजह ये है कि ये कंपनी गूगल कॉरपोरेशन की पेरेंट कंपनी है और गूगल के ही पार्टनर्स ने मिल के कुछ सेटलमेंट्स करके ये कंपनी बनाई थी, जिसकी वजह से सिर्फ 4 साल में ये कंपनी दुनिया की टॉप 10 मल्टीनेशनल्स में शामिल हो चुकी है। नाज़रीन, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे मशहूर ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी amazon.com और इसका होम कंट्री है अमेरिका। इनकी सर्विसेज में शामिल है ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये कंपनी 1994 में इसकी बुनियाद रखी गई और इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू है 916.1 अरब अमरीकी डॉलर। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, यानी जिसका सिस्टम विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट हम या अपने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिकन बेस्ड है और इसकी सर्विसेज में MS विंडोज़, MS ऑफिस, स्काइप, मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल्स और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। नाज़रीन, इसकी बुनियाद बिल गेट्स ने 1975 में रखी, यानी 25 और 19 इस कंपनी को तकरीबन 44 साल हो चुके हैं और आज दुनिया में ये कंपनी टॉप 10 में दूसरे नंबर पे है और इसकी मार्केट वैल्यू है 946.5 अरब अमरीकी डॉलर्स। नाज़रीन, अब आ जाएं दुनिया की टॉप 10 मल्टीनेशनल कंपनीज़ में से पहले नंबर पे आने वाली कंपनी। जी हाँ, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, एप्पल कॉरपोरेशन। ये भी अमेरिकन बेस्ड है, इसकी सर्विसेज में शामिल है आईफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और एक लिस्ट है सॉफ्टवेयर्स की जो यहाँ पे पूरी तरह नहीं बताई जा सकती वक्त की कमी की वजह से। नाज़रीन, एप्पल कॉरपोरेशन की बुनियाद भी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ 1976 में रखी, इसके बानी का नाम स्टीव जॉब्स था और इसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम 961.3 अरब अमरीकी डॉलर है। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी इस टाइम एप्पल कॉरपोरेशन है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।